जय जगन्नाथ दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग सन का ट्रांजिट जो एरी साइन में हुआ है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, सन का ट्रांजिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम टाइमिंग ऑफ इवेंट करते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट में सन ट्रांजिट एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। क्योंकि मान लीजिए कोई भी टाइमिंग के लिए, जैसे कि मैरिज मैरिज का टाइमिंग, पहले जुपिटर ट्रांजिट देखते हैं ईयर को डिसाइड करने के लिए कौन सा ईयर में मैरिज होने वाला है, तो वो जुपिटर ट्रांजिट के थ्रू देखा जाता है। सेकंड है, कौन सा मंथ में मैरिज होने वाला है वो सन का ट्रांजिट के थ्रू देखा जाता है, और कौन सा दिन में मैरिज होगा वो मून का ट्रांजिट के ऊपर देखा जाता है। इसलिए हम बोलते हैं जुपिटर सन मून का ट्रांजिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम बोलते हैं हरे राम कृष्ण, हरे राम कृष्ण इज नॉट नथिंग बट जुपिटर सन एंड मून। इसलिए ये तीनों का ट्रांजिट हम लोगों का लाइफ के ऊपर बहुत इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग सन का ट्रांजिट जो एरी साइन में होने वाला है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिये पहला चीज है, एरी साइन में ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है एंड लिब्रा में केतु है, तो सन का ट्रांजिट जब एरिस में होगा तो वो महीने में एक पक्का इक्लिप्स होने वाला है। ठीक है, सन का ट्रांजिट जब राहु केतु जो एक्सिस में है, जो साइन में है, वो साइन में सन का ट्रांजिट हमेशा एक इक्लिप्स देने वाला है। तो डेफिनेटली वी विल हैव ए सोलर इक्लिप्स एज वेल एज ए लूनर इक्लिप्स, एटलीस्ट वन इक्लिप्स दिस मंथ। तो इस महीने जो सोलर इक्लिप्स होने वाला है वो 20 अप्रैल को, एंड जो लूनर इक्लिप्स होने वाला है वो फिक्स 5th और 6th में, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड यू आर इन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो राहु प्रेजेंट है, सन का ट्रांजिट है, तो इट विल ट्रिगर ए इक्लिप्स। तो हमेशा याद रखिए, अगर राहु प्रेजेंट है, सन का ट्रांजिट उस साइन में जा रहा है, नॉर्मली वो मंथ हो जाता है इक्लिप्स वाला मंथ। नॉर्मली कोई भी अगर आप प्लान कर रहे हो अच्छा वाला चीज, वो महीने में प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वाला इक्लिप्स वाला मंथ है। ठीक है, राहु अभी अभी जो सन का इक्लिप्स होने वाला है, जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, वो राहु ग्रस्त सूर्य ग्रहण होने वाला है क्योंकि राहु ऑलरेडी एरिस साइन में प्रेजेंट है, एंड सन का ट्रांजिट जब एरिस में होता है तो डेफिनेटली वो वाला मंथ में इक्लिप्स होने वाला है, एंड इट इज नॉट ए गुड काइंड ऑफ मंथ। ठीक है, तो ये जो इक्लिप्स एक्सिस है, आप देखोगे ये एरिस और लिब्रा के अक्रॉस में है। तो कौन कौन सा साइन या कौन कौन सा राशि या कौन कौन सा लग्न लोगों को ये वाला इफेक्ट करेगा, आप याद रखिए, अगर आपका चार्ट में 5 पॉइंट्स ऐसे हैं, अगर वो एक्सिस में है देन यू विल फील द इफेक्ट ऑफ द इक्लिप्स। पहला है लग्न, दूसरा है मून, ठीक है, पहला है लग्न, दूसरा है मून, तीसरा है लग्न लॉर्ड, लग्न लॉर्ड भी एरिस में होगा तो यू विल फील द इफेक्ट, चौथा है सन, पांचवा है अरुदा लग्न। ये 5 पॉइंट आपका जातक का अगर ये साइन में है तो डेफिनेटली यू स्टार्ट वर्शिपिंग द गुरु, आपको गुरु को वर्शिप करना चालू कर देना चाहिए, एनी फॉर्म ऑफ ए गुरु, इधर दक्षिणामूर्ति और दत्तात्रेय, वो डिपेंड करता है वेदर इट इज ऑन वेदर द इक्लिप्स इज हैपनिंग ऑन योर सन और लग्न लॉर्ड। अगर सन और लग्न लॉर्ड प्रेजेंट है ये इक्लिप्स एक्सिस में तो आपको दक्षिणामूर्ति जी की पूजा करना चाहिए, अगर लग्न मून और अरुधा लग्न ये वाला अगर आपका प्रेजेंट है एरिस का साइन में, ठीक है, तो आपको किसको पूजा करना है, दत्तात्रेय को पूजा करना है। तो याद रखिए इक्लिप्स वाला मंथ जो होता है वो बहुत ही स्ट्रेस वाला पीरियड होता है किसी किसी के जातक में। आप देखिए राहु एरिस में है, राहु का प्लेसमेंट अब एरिस में है, सैटर्न ट्रांजिट जो एक्वेरियस को हुआ, कुंभ राशि को हुआ, वो थर्ड एस्पेक्ट में राहु को देख रहा है, ठीक है, और सन का ट्रांजिट वो वाला साइन में हो रहा है। तो आप देखोगे हर चार्ट में एरिस वाला साइन अचानक से एक्टिवेट हो जा रहा है। ठीक है, तो अगेन ये महीने में जो 22 अप्रैल है वहां पर जुपिटर का भी ट्रांजिट होने वाला है, तो गुरु चंडाल योग भी बनने वाला है एरिस में।
तो ये सब चीजों के बीच एक्लिप्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रेसफुल वाला मंथ होने वाला है पूरा ग्लोब के लिए, ठीक है, पूरा ग्लोब के लिए ये स्ट्रेसफुल वाला मंथ होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे गुरु चंडाल योग बन रहा है, एक्लिप्स हो रहा है, सेटर्न का एस्पेक्ट है, राहु है, सन का ट्रांजिट है, ये सब चीज जब हो रहा है तो डेफिनेटली यू विल फील द हीट, एवरी वन गोइंग टू फील द हीट, ठीक है। तो ये सन का जो ट्रांजिट है, अगर हम बात करेंगे, आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर अरुदा लग्न प्रेजेंट है, आपका अरुदा लग्न एरीज है, तो डेफिनेटली ये वाला मंथ में सम इवेंट विल गोइंग टू हैपन विच विल रुइन योर इमेज, आपका इमेज खराब करने आप ऐसा कुछ कर लोगे जिससे आपका इमेज खराब होगा। तो डेफिनेटली यू नीड टू वर्शिप द गुरु, यू नीड टू वर्शिप द गुरु दत्तात्रेय, ठीक है, एनी गुरु, लॉर्ड शिव जी को भी गुरु गुरु बना के आप पूजा कर सकते हो। सर्व ज्ञानार्थे पार्वदोपते सर्व लोको गुरु शिव शरणं त्वं प्रपन्नस्मि पालय ज्ञानं प्रदापय, ये लॉर्ड शिवा को सब सब जो जितने भी लोग हैं उस लोक का गुरु माना गया है, वो आद्य गुरु है, तो उनको भी हम पूजा कर सकते हैं एज ए गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए आपका अरुधा लग्न अगर एरी साइन में है तो डेफिनेटली आप कुछ करिए या ना करिए, ये जो संक्रांति से आपका नॉर्मली 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में जो पीरियड है, जो सन ट्रांजिट करेगा एरी साइन में, उस साइन में आप पक्का अपने गुरु को पूजा कीजिए। अगर आप दीक्षा लिए हो तो दीक्षा गुरु का मंत्र जाप कीजिए। अगर आप कोई गुरु बनाए नहीं हो तो सिंपल ओम गुरवे नमः भी जाप कर सकते हो, बट आपको गुरु को वर्शिप करना है, क्योंकि एक्लिप्स का मतलब क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ अंधकार, इक्लिप्स का मतलब है अंधकार, वेयर यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ राहु एंड केतु। राहु क्या करता है, राहु शो करता है ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस यू विल डू मिस्टेक। केतु क्या करता है, केतु बिकॉज ऑफ योर अगेन नेग्लिजेंस बोल सकते हैं, योर मिस्टेक बोल सकते हैं, उसके वजह से आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो राहु केतु नॉर्मली क्या करता है ना, डार्कर साइड ऑफ द लाइफ विच यू आर नेग्लेक्टिंग, विच वी आर नॉट थिंकिंग बिकॉज ऑफ आवर ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये वाला चीज जो दूर कर सकते हैं वो गुरु ही है, आप गुरु को पूजा कीजिए तो डेफिनेटली ये वो जो इक्लिस वाला इफेक्ट से आप निकल पाओगे। तो आप देखिए एरिस लगना, ठीक है, एरिस मून साइन, अगर आपका लिब्रा का लगना हो, लिब्रा का मून साइन हो, तो डेफिनेटली ये वाला इक्लिप्स आपको इफेक्ट करने वाला है। या सन आपका एरिस या लिब्रा में है, आपका चार्ट में लग्न लॉर्ड आपका एरीस और लिब्रा में है, अरुदा लग्न एरीस और लिब्रा में है, ये सब केस में आपको ये वाला ट्रांजिट आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। सन का ट्रांजिट, ये जो इक्लिप्स वाला पीरियड, दो एक सूर्य ग्रहण, उसके बाद चंद्रपराग, और हम बोल सकते हैं सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स होने वाला है, ये वाला टाइम आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं एरिस एसेंडेंट से। एरिस एसेंडेंट देखिए, इट इज हैपनिंग इन योर लग्न, जैसे कि मैं बताया लग्न सो इस योर धी शक्ति, जैसे कि धी शक्ति क्या मतलब, आपका चार धी शक्ति होता है, एक है बुद्धि, दूसरा है शुद्धि, तीसरा है वृद्धि, चौथा है सिद्धि, ठीक है। तो बुद्धि शो करता है लग्न, ओके, शुद्धि शो करता है हार्ट, फ्रॉम हार्ट फोर्थ हाउस शुद्धि, वृद्धि वृद्धि मतलब सेवेंथ हाउस, आपका मैरिज हुआ, यू आर फ्रॉम वन यू आर बिकमिंग टू एंड यू आर स्लोली ग्रोइंग अप, ठीक है। एंड सिद्धि, कार्य सिद्धि, 10th हाउस, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, हम हनुमान जी को अष्ट सिद्धि का मालिक मानते हैं, बिकॉज ही हैज द पावर ऑफ 10th हाउस। तो ये हो गया धी शक्ति। तो एरिस एसेंडेंट वालों का इट इज हैपनिंग ऑन लग्ना, सो दे नीड टू डू द गायत्री मंत्र जाप, इट इज द बेस्ट रिमेडी बिकॉज दे आर प्रोन टू टेक रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। टॉरस एसेंडेंट 12th हाउस, एक्सपेंसेस, हम टॉरस एसेंडेंट का 12th हाउस एक्सपेंस वाला हाउस में ये हो रहा है, तो एक्सपेंस वाला अगर हाउस में हो रहा है, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर एक्सपेंसेस, बिकॉज
जब भी आप कुछ खर्चा करने वाला हो, थिंक ट्वाइस और थ्राइस, टेक द एडवाइसेस ऑफ अदर, ये आपके लिए अच्छा है या खराब है। जेमिनी, जेमिनी एसेंडेंट वालों का अगर आप देखोगे, इट इज हैपनिंग इन द 11th हाउस, तो दीज जेमिनी एसेंडेंट पीपुल मस्ट टेक केयर व्हाइल दे आर डीलिंग विद द फ्रेंड सर्किल, व्हाइल दे आर डूइंग द नेटवर्किंग। नॉर्मली फ्रेंड सर्किल और नेटवर्किंग में कुछ इश्यूज आने वाले हैं, ठीक है। अभी आते हैं कैंसर एसेंडेंट। कैंसर एसेंडेंट का मेजर चीज है कि ये इक्लिप्स आपका 10th हाउस में होने वाला है, प्रोफेशन में होने वाला है, सिद्धि वाला हाउस में होने वाला है। तो इसमें क्या होगा ना, यू मे गेट अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स इन योर प्रोफेशन, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। डू द गुरु मंत्र, आप गुरु मंत्र करते रहिए, ठीक है। जब हम लियो एसेंडेंट की बात करेंगे, इट इज हैपनिंग इन द 9th हाउस। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर गुरु, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर फादर। तो अचानक से आपका पिताजी का कुछ इश्यूज आ सकते हैं। यू मे हैव टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ ड्यूटीज। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ योर एडवाइस। ध्यान रखिए, इस पीरियड में यू मे एक्सपोज टू रॉन्ग एडवाइस, तो गुरु मंत्र का जाप करते रहिए, ठीक है। अभी हम वर्गो एसेंडेंट, कन्या लग्न की बात करेंगे। कन्या लग्न में आप देखिए, ये 8th हाउस में ये वाला चीज हो रहा है, इक्लिप्स वाला, ठीक है। 8th हाउस इज ऑल अबाउट योर सडन थिंग्स, सडन एक्सीडेंट्स, डेप्स, डिजीजेस, अनक्यूरेबल डिजीजेस, ठीक है, निजो दोषो, योर ओन फॉल्ट्स। तो ये वाला जो इक्लिप्स हो रहा है आपका 8th हाउस में, जो वन ऑफ द डिफिकल्ट ट्रांजिट हम बोल सकते हैं, तो यू नीड टू टेक केयर, बिकॉज जो एक्लिप्स हो रहा है योर सेकेंड एंड 8th हाउस, आपका मान लीजिए फैमिली और आपका स्पाउस का फैमिली में बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकता है, ठीक है। यू नीड टू टेक केयर, बट यू कैन डू गुरु मंत्रा, यू कैन यूज दिस पीरियड टू लर्न ऑकल्ट थिंग्स, बट नॉट तांत्रिक वे ऑफ लर्निंग। आई मीन टू से यू कैन एबल टू, ये टाइम को आप यूज करके वैदिक नॉलेज आप सीख सकते हो, क्योंकि इक्लिप्स का टाइम बहुत ही पावरफुल एनर्जीज देते हैं। अगर वो एनर्जी को आप प्रॉपर टाइम प्रॉपर चैनलाइज कर सकते हैं, देन यू कैन एबल टू लर्न ए लॉट। देखिए चैतन्य महाप्रभु वो लूनर इक्लिप्स में पैदा हुए थे, ठीक है। तो इट इज नॉट दैट इक्लिप्स इज बैड, बट हम जो देख रहे हैं सर्टेन प्रोस्पेक्टिव ऑफ लाइफ इट इज गोइंग टू बैड, ठीक है। लिब्रा एसेंडेंट, आप देखिए 7th हाउस और लग्न में इक्लिप्स हो रहा है, लाइक एरिस एसेंडेंट योर लग्न इज इन्वॉल्व एज वेल एज 7th हाउस इज इन्वॉल्व, सो यू नीड टू टेक केयर व्हाइल डूइंग पार्टनरशिप, व्हाइल मेकिंग रिलेशनशिप। स्पाउस के साथ स्ट्रेसफुल पीरियड रहेगा ये वाला फेज, सो यू नीड टू टेक केयर, ठीक है। देखिए जब हम स्कॉर्पियो एसेंडेंट की बात करेंगे, स्कॉर्पियो वाला एसेंडेंट का आप देखिए 6th एंड 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 6th हाउस इज ऑल अबाउट योर डेब्ट्स, डिजिटेट, कोर्ट केस, लिटिगेशन, योर एनिमीज, ठीक है। तो नॉर्मली ये वाला पीरियड में अगर सन का ट्रांजिट होता है 6th हाउस में, गुड ट्रांजिट माना जाता है। राहु का ट्रांजिट गुड ट्रांजिट माना जाता है, बट इक्लिप्स एज इक्लिप्स इज हैपनिंग, सो व्हाट आई फील, यू नीड टू टेक केयर व्हाइल टेकिंग डेब्ट्स, व्हाइल टेकिंग लोन्स, ठीक है। किसी से अगर नॉर्मली आई डू एडवाइज डू नॉट फाइट विथ एनीवन, आप किसी के साथ फाइट मत कीजिए, क्योंकि ये ट्रांजिट अच्छा है बट उसका इफेक्ट आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है। देखिए जब हम सजेटेरियस एसेंडेंट धनु लग्न की बात करेंगे, 5th हाउस का ट्रांजिट है। 5th हाउस इज ऑल योर योर क्रिएटिविटी, ऑल अबाउट योर चिल्ड्रेंस, तो ये स्ट्रेसफुल टाइमफुल रहेगा आपका चिल्ड्रेन के लिए। आपका क्रिएटिविटी को यूज करना चाहते हो, यू कैन नॉट एबल टू डू दैट, सो यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली। कैप्रिकॉन एसेंडेंट 4th एंड 10th हाउस, अगेन स्ट्रेसफुल पीरियड रहेगा आपका होम लाइफ में और प्रोफेशन में। व्हीकल्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं, यू नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। जब हम
जब हम एक्वेरियस एसेंडेंट की बात करेंगे, एक्वेरियस एसेंडेंट में देखिए ये थर्ड एंड नाइन्थ हाउस का ट्रांजिट है, ठीक है। थर्ड हाउस हो शॉर्ट ट्रेवल लॉन्ग ट्रेवल, तो ट्रैवल करने के टाइम आप थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए थर्ड हाउस का ट्रांजिट हमेशा सन एंड राहु का अच्छा माना जाता है, उपज हाउस में ट्रांजिट अच्छा माना जाता है, बट इक्लिप्स हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि इक्लिप्स हो रहा है, सैटर्न वो इक्लिप्स को देख रहा है, सो इट मे क्रिएट सम स्ट्रेसफुल काइंड ऑफ सिचुएशन बिटवीन आपका जो नेबर है उनके साथ स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप, स्ट्रेसफुल काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है। ट्रैवल आपका जो सिबलिंग्स है उनके साथ आपका स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप हो सकता है, यू नीड टू टेक केयर। फाइनली जब हम पाइसिस एसेंडेंट की बात करेंगे, पाइसिस एसेंडेंट का देखिए ये सेकेंड हाउस का ट्रांजिट है, सेकेंड हाउस इज योर ओन फैमिली, सेकेंड हाउस इज योर ओन फैमिली एंड एथ हाउस इज योर स्पाउस फैमिली और इनहेरिटेंस, ठीक है। तो आपका नॉर्मली हम क्या बोलेंगे ना, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर इनटेक ऑफ फूड्स, जो हम जो खाना खाते हैं उसमें आप सात्विक को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, यू ट्राई टू ईट इन ए सात्विक वे। आपका जो रिसोर्सेस फाइनेंसेस उसको आप ये पीरियड में और उसके ऊपर कोई अगर मेजर डिसीजन लेना होगा कोई रिसोर्स खरीदने के लिए या कुछ मेजर डिसीजन रिलेटेड टू योर रिसोर्सेस फैमिली, तो ये वाला महीने में आप मत लीजिए क्योंकि इक्लिप्स हो रहा है सेकंड हाउस में, इट मे क्रिएट सम स्ट्रेसफुल काइंड ऑफ सिचुएशन। सो बेटर ये जो मंथ होगा एरीज में सन का ट्रांजिट जो इक्लिप्स कर रहा है एक लूनर एंड सोलर, सो वी ऑल नीड टू टेक केयर, मेजर डिसीजन शुड मस्ट अवॉइड इट, ठीक है। अगर अगर क्या कर सकते हो तो ये वाला महीने में हम एक प्रोफिशिएंटली और प्रायोरिटिकली हम गुरु को पूजा कर सकते हैं। ओम गुरवे नमः, ओम जुम शह व्यम व्यास देवाय नमः, शह जुम ओम, ऐसा करके हम गुरु वाला मंत्र को पूजा कर सकते हैं, शिव जी को पूजा कर सकते हैं, दत्तात्रेय और दक्षिणामूर्ति गुरु को पूजा कर सकते हैं। अगर आपका सन और लग्न लॉर्ड के ऊपर हो रहा है देन यू वर्शिप दक्षिणामूर्ति, अगर आपका लग्न अरुदा लग्न मून में हो रहा है तो यू वर्शिप दत्तात्रेय। वन गुड थिंग इज दैट अगर आपका सन एंड लग्न लॉर्ड के लग्न लॉर्ड एरिस या लिब्रा एक्सिस में है देन ये वाला इक्लिप्स का रिजल्ट आपके लिए अच्छा होगा, वेरेज अरुदा लग्न लग्न और मून अगर किसी का है तो उसका रिजल्ट खराब होगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा हम लोगों को इक्लिप्स पीरियड में स्पेसिफिकली वी नीड टू वर्शिप द गुरु, वी नीड टू वर्शिप द गुरु टू गेट द ब्लेसिंग, टू कीप अवे द डार्कनेस, हमको डार्कनेस से दूर रहना है, इसलिए हमको लाइट की ओर जाना है। गुरु इज नथिंग बट लाइट, दे आर पिलर ऑफ लाइट्स, सो गुरु विल डेफिनेटली हेल्प अस टू मूव फ्रॉम डार्कनेस टुवर्ड्स लाइट, दैट इज ऑल अबाउट गुरु। सो फ्रेंड्स देखिए सन का ट्रांजिट एरिस में इस तरह का इफेक्ट आपके लाइफ में लाने वाला है। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।